अब ऐसे मेरे बाद भी इस मस्जिद में खतीब आते रहेंगे और मुझसे अच्छे खतीब होंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर भी तकरीर करेंगे, लेकिन कम अज़ कम आप अताउल्लाह शाह बुखारी को इसलिए ज़रूर याद रखेंगे कि वो हमेशा बात को समझा दिया करता था। और मैंने अल्लाह से मांगी भी यही चीज़ है, या अल्लाह मुझे इस तरह तकरीर करने की तौफीक दे, मेरे ऊपर लोग पैसे फेंकें या ना फेंकें, मेरी बल्ले बल्ले हो या ना हो, मगर परवरदिगार तेरी और तेरे नबी की जो बात मैं लोगों को बताऊं वो समझ आ जाए। ये बहुत अरसा पहले मैं एक हाई स्कूल के अंदर 20-22 साल पहले की बात है टीचिंग करता था, तो एक दफ़ा इंग्लिश के उस्ताद 9वीं जमात के वो नहीं थे, तो मुझे एक पीरियड 9वीं जमात के इंग्लिश का पढ़ाना पड़ा। तो मैंने बच्चों को द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 9वीं की इंग्लिश का पहला सबक था, तो मैंने बच्चों को वो पढ़ाया, तो बच्चे कहने लगे जी आपने इंग्लिश इस तरह पढ़ाई है कि हमें समझ आ गई है और यहाँ पे बैठे बैठे सबक याद हो गया। मैंने उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगी थी, परवरदिगार अगर तूने मुझे इतनी ताकत गुफ्तार दी है कि मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा और उन्हें बैठे बैठे सबक याद हो जाए और सारी समझ में आ जाती है, तो फिर मेरे मौला मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहता। मेरे परवरदिगार तो मुझसे ये काम ले कि मैं तेरा दीन बंदों को समझाऊं और बंदों को बैठे बैठे वहां पे समझ आ जाया करे। और मैं ये समझता हूं मेरे रब ने मेरी वो दुआ कबूल फरमा ली है।